सो ऑफकोर्स ये जो एपिसोड है ये सीरीज का लास्ट एपिसोड है, बिकॉज आज के इस एपिसोड में हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले डंजन को। और पता है सच में बोलता हूँ, ये एपिसोड सच में मतलब ये सीरीज ही पूरी लगी है। लास्ट एपिसोड में तक पेट्रोडाउन की बलि मिल गई। सही है। सो जो सपाट अभी इसको जगह को देख लो यार, अभी इसका तुम्हें नहीं, खासकर मेरा प्यारा सा पेट्रोडाउन किलर, इसने अब तक की एपिसोड्स में कितने पेट्रोडाउन की बलि दी किसी को नहीं पता, नोबडी नोज, मिस्ट्री है भाई। और हमारे प्यारा सा ग्रीन, इसने मेरी शुरुआत में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। बाकी इनसे मेरा कुछ स्पेशल बॉन्ड नहीं था इन तीनों से, बट ठीक है, डायनो है मतलब इतना याद रहता था, इनसे कुछ खास नहीं था। फियो में, फियो मैंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी लाइक न्यू टाइम में, इनका तो खानदान ही मेरे पीछे पड़ता था। ये तो ठरकी रैप्टर्स ने भी मेरी हेल्प की, और ये इसने मेरा एक एपिसोड बना दिया था। ये मिस्ट्री से भाई, ये भी कहा तो गुड़ा था। बाकी ये सारे डायनो ये पिट गए, बाकी ये सारे तो फिर थे डायनोस। सो इन एक सेकेंड, ये क्या कर रहा है भाई। आई थिंक गाइज ये मेरे से नाराज़ है, इसलिए इसने दीवार से बाहर मुंह निकाला है। बट यार जोक्स अपार्ट, फाइनली वो वक्त आ चुका है जहाँ पे सीरीज़ को एंड होना है। बाकी इसके लिए रुको, इसके लिए मेरे पास कुछ इमोजी है क्या जिससे मैं अपना सॉरी ये सॉरी का ऐसा लगता है कि मेरा पैसा वापस कर दो ऐसा लगता है। पता नहीं। सो बताए जब हमने सीरीज़ को स्टार्ट किया था ना, तभी लाइक इसका एंड तो ऑफकोर्स लिखा हुआ था कि ऐसे ही इसका एंड होने वाला है, जो कि आज होने वाला है। सो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ। सो डंजन करने के लिए मैंने जो है प्रिपरेशन कर ली है, एंड प्रिपरेशन ऐसी है भाई, बुलेट्स वगैरह ये सब लेके बैठा हूँ मैं, ये ब्रू वगैरह लिए है, सामान ये खाने के लिए थोड़ा सा लिया है, एंड ऑल शॉट गन। अभी मैं पम्प शॉट गन नहीं बनाई क्योंकि मैं उतना नहीं ग्राइंड कर सकता, मैं इसी से जो है मेरे को ट्रस्ट है अपने पे, मैं कर लूँगा, अगर नहीं किया तो बहुत बेइज्जती होगी बट कर लूँगा। और यहाँ पे मेरे को एक काम करना है, तो कंज्यूमेबल्स में से ये मेरे को फीस लेना, तो जिससे भूख और प्यास दोनों नहीं लगेगी 6-6 घंटे तक, तो मेरे को खाना पीने का ज़्यादा वजन भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगा। और पता है लक वाली बात क्या थी, देखो अभी पूरा फूड ये होगा, लक वाली बात ये थी कि मेरे पास 12 एम्बर थे और मैं खेलने आया आज, तो गिफ्ट से मेरे को 3 एम्बर मिल गई। गिफ्ट से मिला, किस गिफ्ट से मिला, ऑफकोर्स वरना ऐसे तो मिलेंगे नहीं, टाइमिंग मतलब भगवान भी चाहते कि मैं इससे ये करूँ। बाकी मेरा प्यारा सा घर, ये भी इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, हालांकि मैंने सोचा भाई टैपेज दे रहा है यार, तेरे साथ तो कुछ खास बॉन्ड बना नहीं, बट इट्स ओके, काफ़ी अच्छा था। और ये इन लोग ने सच में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी यार, सबको मिस करूँगा मैं। गाइस लास्ट टाइम बाय बोल दो बेस को, बाय बाय बेस, मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है सच में। नहीं उसलिए नहीं हो रहा कि लाइक बेस जा रहा है, ये जा रहा है, तो रेडवुड ने कितने ज़्यादा व्यूज दिए मेरे को आज तक, वो चीज़ भी तो होती है। एनीवे सो अभी हम लोग को ऑफकोर्स आज डंजन करनी, कॉज जो चीज़ आई है उसे एक दिन जाना तो पड़ेगा, और बस इसी तरीके से एंड लिखा। और आज हमें डंजन कंप्लीट करने, बस होपफुली कर लूँ, बोल तो बहुत ज़्यादा रहा, हार गया ना मैं, बहुत बेइज्जती होगी मेरी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे रेडवुड पीछे छूटता जा रहा है। बाकी बाय बाय रेडवुड, मज़ा आया भाई, इसने मेरे को बहुत व्यूज़ दिए। हमने एक्चुअली आर्क मोबाइल का मज़ा रेडवुड में लिया, क्योंकि आर्क मोबाइल से तो हम वैसे ही बोर हो गए थे, रेडवुड ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। बस अभी हम लोग को जाना है ऑब्लिक के पास, और जैसे जैसे मैं ऑब्लिक के पास पहुंच रहा हूँ, मैं धड़धड़ बढ़ रहा है मेरा। अच्छा नहीं सच में, अगर हम लोग डाइनोस को ले जा पाते हैं ना डंजन के अंदर, तो पहली चीज़ तो एक गोल टाइप रहता है, और दूसरी चीज़ मेरे को इसको बीच में नहीं छोड़ना पड़ता है यहाँ पे। एनीवे यार फाल्कन और मैंने भी साथ में काफ़ी लंबे गुजारे, इसने लाइक बेस्ट बडीज थे, हम दोनों ने एक दूसरे की बहुत हेल्प की, इसने खासकर मेरी। बट अब तेरे को छोड़ के मेरे को जो है उस जगह जाना पड़ेगा दोस्त, लव यू ब्रो, तूने बहुत हेल्प की मेरी, होपफुली तेरी लाइफ सुखी रहे और तुम सारे डाइनोस ध्यान से रहना। बाकी चल बाय बाय, अब जाना ही पड़ेगा, अब पीछे मुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं गाइस, अभी जस्ट हम लोग को सीरीज़ और हमारी एंड पे एंड गेम पे फोकस करना है। नेट ही लोड नहीं हो रहा, काहे का फोकस। एनीवे सो अरे हाँ सॉरी, इसके अंदर सारी ही होती है, मैं वही सोचूं भाई कि इतने सारे ये कहाँ से आ गए बोला डंजन्स। एनीवे लूट का हमें कोई लेना देना नहीं, जस्ट अभी हमें क्लिक करना है एंड हम जो इसके अंदर चले जाएंगे। इसी के साथ हमने हमारा जो नॉर्मल वर्ल्ड है अभी उसे पीछे छोड़ दिया, जस्ट अब हम आ चुके हैं डंजन में, और यहीं पे चलो भाई वो क्या लैग मार रहा है मेरा खुद का ही। रुको पहले, जब भी आप न्यू हो ना डंजन में आते हो ना, पहले ग्राफिक कम करो, कैसा भी फ़ोन हो कब क्या होगा पता नहीं चलता, सिक्योरिटी रीजंस के लिए मार ही लिया करो। बाकी मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पे एक मैं सेव मार लूँ क्या, क्योंकि भाई कब क्रैश क्रूश मारेगा पता नहीं, यहाँ पे एक सेव करके रखता हूँ ठीक है। ओके सिंपली हम लोग को पहले अभी सीधे मैंने एक्चुअली इसका पूरा मैप देख लिया है, लाइक ऑफ कोर्स मैंने पहले डिस्कॉर्ड पे देख लिया है मैप कि कैसे क्या सीन है, कौन सी रूम से, वो सब मैं देख एक सीन, फिर मैं उल्टा आ गया यार।
यही प्रॉब्लम है मेरा, पता है मेरे को, मैं इतने टाइम से खेल रहा हूँ, मैंने डेंजन्स भी बहुत नहीं की, बट फिर मेरे को आज तक मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि जाना किस साइड, वो डॉट कौन सी साइड घूमता है कोई समझता नहीं है। एनीवे, सो हम लोग को सबसे पहले फैसिलिटी की के लिए कुछ रूम्स करनी पड़ेंगी जो सामने की साइड है। एंड मैं मैप की बात कर रहा था, ये कि लाइक मैप ऑलरेडी, अभी ऑफकोर्स तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो बता दूँ, जिन्हें भी डंजन का मैप चाहिए होता है ऑफकोर्स हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कौन सा बॉस है, कौन सी क्रेट है, बॉस कौन सा है वो मेरे को याद नहीं, यहाँ पे ट्रैप था, मैं एक्चुअली भूल गया था मैं, हाँ, और मैप के अंदर ये भी रहता है कि ट्रैप, एक से बातों के चक्कर में मैं कर नहीं पाऊंगा, रुको, पहले मैं तुम्हें सारी चीज़ें बाद में क्लियर करूँगा पहले, ओके, अभी भागना है, एक सेकंड, मेरे को लगा धक्का लग गया, मर जाऊँगा, बच गया। सो, ये रूम नहीं है ना, हाँ, मैं वही कह रहा था कि डिस्कॉर्ड पे मैप अवेलेबल है, उसमें ट्रैप कहाँ पे, लावा जंप कहाँ पे, बॉस कौन है वो उसमें दिखता है कि नहीं, याद नहीं मेरे को, बट पता नहीं, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें डिस्कॉर्ड पे मिल जाएंगी, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हर वीक जो न्यू डंजन आती रहती है उसका मैप अवेलेबल होता है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके डिस्कॉर्ड को जल्दी ज्वाइन करो, वहाँ पे समथिंग हम लोग के 5.5 के मेंबर्स होने वाले, जाओ पार्ट बनो वहाँ का, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग, डिस्कॉर्ड अगर तुम ज्वाइन भी नहीं कर रहे, ये क्या बात हुई, बाकी हम लोग, भाई ये लोग भी ऐड हो गए क्या, बाहर वर्ल्ड में काफ़ी नहीं थे यहाँ पे, एक तो कुछ कर भी नहीं सकते, पता नहीं क्यों देते यार डंजन, जो भी ऑफकोर्स डंजन करने वाला बंदा आया है वो ऑफकोर्स पावरफुल ही होगा ना, कि दिमाग विमाग यूज़ करते कि नहीं है लोग, कोई बात नहीं, हम लोग को अभी सिंपली सीधे 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 जाना है, और यहाँ से यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे ज़्यादा क्रेट्स पे फोकस नहीं करने वाला, क्योंकि लेके हमने कुछ जाना है नहीं, तो क्रेट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, बट टाइम बाय करने के लिए मैं थोड़ी बहुत लेते रहूँगा। बाकी ये हम लोग की जो फर्स्ट रूम है, आई थिंक ये आरजी की है, ग्रोइंग आरजी है, मे बी हाँ, उसमें वैसे कुछ साइन था, उसमें साइंस वगैरह सब दिए रहते, तो उससे पता चल जाता है रूम कौन सी है, बट रुको, हाँ ओके, एक आरजी है, मतलब ऑफकोर्स ग्रोइंग आरजी है, सो यहाँ पे इनकी हेल्थ बढ़ती रहती है और कुछ नहीं, बट अच्छा भाई मैं अभी शॉटगन के ऊपर ही मेरा पूरा फेथ है भाई, होपफुली बस वर्क कर जाए शॉटगन, कर जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, डबल बैरल के मजाक की बात नहीं भाई, 1K का तो डैमेज दे रही, क्या दिक्कत है ओपी, और ऊपर से डबल बैरल क्लोज से आई थिंक अच्छी रहती, मेरे को लगा कि मरो आरजी वापस जिंदा हो गया, वापस कैसे जिंदा हो गया वो, कोई नहीं, इनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, जस्ट थोड़े ग्रोइंग आते रहेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं, शॉटगन मेरे को लग रहा है शॉटगन का कमाल दिखाने वाली मेरी तो मेरे को मार डालेगा, ऐसे मार डालेगा, भागना भाई, रुको मेरा, रुको यार, ये मेरे को मार के खुद ही हील कर रहा है, मेरे को लगा हार्वेस्ट करने से होता है, अजीब इंसान भाई, अच्छा खत्म, अच्छा खत्म हो गया मेरा म्यूजिक सब स्टॉप कैसे हो गया, ठीक ही चल रहा है, चलो मेरे आर्मर वगैरह भी सब ठीक है, और क्या बोलते हैं HP भी ठीक थी मेरी, अभी हम लोग को जस्ट हम लोग को यहाँ से रुको मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ इस चीज़ में कि जाना किस साइड है, एनीवेज सो यहाँ पे नहीं है, हम लोग को सीधे सीधे यहाँ से जाना है भाई, यहाँ पे डैमेज वेमेज बहुत पड़ता है, मैं डंजन बहुत टाइम से की नहीं ना, अभी तो थोड़ी आदत सी वापस से कम हो गई है, बट ठीक है ओके, यहाँ पे ऐसी क्रेट्स मिल जाए ना बहुत क्लोज तो मैं लूँगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टाइम की भी ज़रूरत है, वरना नॉर्मली तो कुछ खास ज़रूरत है नहीं, तो लाइक इतने टाइम में कर लूँगा, बट थोड़ा टाइम भी मिले और क्या पता कुछ काम की चीज़ मिल जाए जो डंजन में काम आ जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है, कुछ एमओज वगैरह मिलती रहती है तो उतने के लिए बीच बीच में लूँगा, सारी नहीं लूँगा, मैं टेक क्रेट भी छोड़ दूँगा, मैं टेक क्रेट लेके क्या करूँगा, कुछ फ़ायदा ही नहीं होने वाला, ओके सो ये जो रूम है, आई थिंक ये रूम हम लोग की वुली राइनो फिर डोडोस की, आई थिंक ये वाली रूम डोडोस की शायद से, जहाँ तक डोडोस की, अबे जल्दी करना, मेरे को भरोसा नहीं, इसलिए भाई गेम सेव कर लेने का प्रॉब्लम, पता नहीं कब क्या हो जाए, मैं देखो डोंट वरी, मैं रिस्टोर कहीं पे भी नहीं करूँगा, कसम से पूरे चैनल की कसम लेके बोलता हूँ, कहीं पे भी हम रिस्टोर नहीं करने वाले, डोंट वरी, जस्ट मैं सेव करके रख रहा हूँ सिक्योरिटी रीजंस के लिए, कभी क्रैश मार जाता है, कभी रिकॉर्डिंग क्रैश, तो मैं सब सीन नहीं चाहता ना, मैं रूम डबल कर लूँगा, बट रिकॉर्डिंग क्रैश हुई तो अच्छी बात नहीं है ना, ये डोडोस तो फुद्दू है भाई, एक एक शॉट वाले, इनका कुछ नहीं, पिछले बार भी आए थे, बहुत बहुत बड़ी डील नहीं इनसे लड़ना, एक शॉट में जा रहे, ताओ में कैसे आ रहे हो जल्दी जल्दी, पता है आर्क मोबाइल के लिए ना मेरे पास एक दो सजेशंस है जो मेरे को ना अभी इनको देख के आया, पता है ऐसे, पता है ऐसा कि वो लोग क्या कर सकते हैं कि लाइक आर्क मोबाइल नॉर्मली तो ये डंजन वगैरह की बेकार चीज़ें करते रहते हैं लोग, जो कि इतनी वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से, तो बट रुको मरा कर भाई, ये क्या कर रहा है, रुको ए रुको यार, शॉर्ट से जल्दी हो जाएगा, मैं भी क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट से मर जाएंगे ना लोग जल्दी, इतना ज़्यादा तो शॉर्ट से करने का छोड़ के मैं भी कह रहा हूँ बस करता, हाँ तो मैं वो कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं, ये लास्ट वन है ना, एक से ऐसे एनीवे हाँ, ओ क्या कह रहा था मैं, हाँ फाइनली हमने सेकेंड रूम हम लोग का कंप्लीट कर लिया, रुको पहले काम करने दो, मीट्स फेंकने दो, क्योंकि पता नहीं ये मीट्स का बहुत ज़्यादा सीन रहता है, ये हार्वेस्ट नहीं होने चाहिए एटलीस्ट डंजन में, तो बंदा क्यों डंजन में भाई मीट्स हार्वेस्ट करने आएगा, थोड़ी ऐसा भी नहीं कि कुकिंग पॉट लगा के कुछ बना सकता है, ये बना क्या कहते हैं उसे, वो बॉन फायर है क्या कहते हैं उसको, कैंप फायर है
रुको एक सेकंड, यहाँ पे पहले क्रिएटिव लूटने दो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बोलते तो और कुछ नहीं, और उसका एक रीज़न भी है, मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँ, ठीक है, देख लेना अगर मैंने रीज़न दिया तो, मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ। बाकी एक काम करते हैं अभी सिंपली जो है, रुको मैं देखूँ, बहुत ज़्यादा गोल घूम रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता डंजन का मैप की कौन सी साइड जाना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है मेरे लिए यहाँ पे। लेकिन रुको, यहाँ पे एक फैसिलिटी की होगी, ठीक है, अभी ये क्योंकि दो यहाँ पे दो ही रूम करनी थी एक्चुअली, ज़्यादा तो थी नहीं, और आई थिंक ये यही वाला है, और यहाँ पे आई थिंक एक ट्रैप भी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। एक सेकंड, मेरे को हर बार लगता है कि ये रहा ट्रैप, ठीक है, ये मैं जाऊँ फिर ऐसे, ओके हाश। सो यहाँ पे एक जो है ये मौशब, हाँ ये मौशब और डोडो से वापस वही याद आ गया, मैं बता दूँ तुम्हें, रुको पहले मेरे को ये जगह क्लियर कर, ओके बस 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 आना नहीं, हाँ वो उसका वो स्लो, पता है मल्टीप्लेयर में वैसा ट्रैप नहीं है, सेम डंजन मल्टीप्लेयर में ट्रैप अलग रहता है, सोलो में स्लो रहता है, पता नहीं क्या ग्लिच है क्या कुछ है, मैंने देखा है ये चीज़ गौर की कि सेम ट्रैप ना मल्टीप्लेयर में अलग है थोड़ा सा, लाइक उसमें जल्दी जल्दी करता है, इसमें स्लो रहता है, पता नहीं ऐसा क्यों। एनीवेज हम लोग अभी कहाँ जा रहे थे, अभी हाँ अभी हम लोग को नॉर्मली वापस पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि क्या बोलते हैं, हम लोग ऑफकोर्स फैसिलिटी की तो मिल चुकी है। सो गाइस फाइनली मैं जो है पहुंच चुका हूँ हम लोग की, यहाँ पे हड्डी विड्डी क्यों रखते हैं भाई ये लोग, पता है इन चीज़ों को हटाओ, इसके लिए हम डंजन में नहीं आते, हमारा मकसद वो है ही नहीं, तुम बेफालतू क्यों चीज़ें बढ़ाते हो, यहाँ पे क्या कमी नहीं चीज़ करके रखी है, डैमेज पड़ने वाला है, मतलब हटे ना भाई क्या कर रही है। यहाँ पे हम लोगों को जो है अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग को इस साइड में जाना, आई थिंक सो होपफुली मैं सही जा रहा हूँ, और मैं वही कह रहा था मैं हर बार, ओके एक वापस मेरे को इस साइड सेम नहीं जाना है, बट क्रेट दिख गए बीच में, हट ना भाई इनको क्यों डाला है भाई गेम के अंदर, बट डंजन में आने वाला बंदा भाई ऑफकोर्स भाई पावरफुल रहता है, तुमको समझना चाहिए, वो ऑफकोर्स मार देगा, और अगर कोई न्यू आता है तो वैसे ही रूम में एंटर करके मर जाएगा, तो लॉजिक ही नहीं है ना इन चीज़ों का। वेल ये जो रूम आई थिंक ये भूली राइनो की है, हाँ ये वाली पक्का भूली राइनो की है शायद से, यहाँ पे मेरे को गेम सेव करना चाहिए क्या भाई, तुम भी अंदर आओ, आओ आओ दमे तो अभी पागल लोग। एनीवे आई थिंक हाँ ये बुली राइनो की, ये मेरे को दौड़ाने वाले, ये दौड़ाने वाले, मैं इनसे हर बार मार खाता हूँ और ये गया, मैं ये फ्री बूस्ट देते हैं ये लोग, ऐसे ऐसे आपको टच देंगे ना आप लंबे लंबे जाओगे, ये फ्री बूस्ट के लिए पैदा हुए, मैं इनसे बेफालतू मरने नहीं वाला, बट फिर मेरे पास तीन आर्मर है, आर्मर भी काफ़ी बना के रखे, सारे जितने मेटल थे ना मैंने बनाए सारे वेस्ट कर दिए मैंने, बट भाई रिस्क नहीं लूँगा मैं, एक बार भी हार गया ना मैं डायरेक्ट पूरी सीरीज ही हारने वाला हूँ, तो इसलिए, और ऊपर से मैं चाइना की कसम ली कि मैं रिस्टोर नहीं मारने वाला, तो सिंपल सी बात है, तो मेरे को जो करना है बहुत सोच समझ के करना है भाई, फ्री के धक्के मत दो यार, मत बाप रे, हाँ यहाँ पे ये ज़्यादा ये भी नहीं कि मैं इनको लाइक अड़ा सकूँ भाई, अड़ाऊँगा तो एटलीस्ट बच तो जाऊँगा इनसे, मेरी पूरी सारी ज़िंदगी खत्म, ओके फाइनली बाप रे की तो फाइनली अटका दिया मैंने, फाइनली इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद निकल गए, भागो 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 भागो, कितना सब कितना बड़ा धक्का दिया बे, अरे एक सेकंड रुको भाई मुझे इसकी गाड़ी पूरी, हाँ कोई नहीं ये लास्ट एक सेकंड, एक लास्ट फुली राइनो बचा है, जस्ट एक सेकंड दो मेरे को, आ जा बेटा फुर्सत में निकल, हाँ ये रूम थोड़ी टफ थी मेरे लिए, बट ठीक है चलो इसने काफ़ी जान खाई अपनी, बट ठीक है कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट रूम के पास हम लोग को जाना है, यहाँ पे रुको एक सेकंड, मैं ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा वियर्ड है मेरे लिए, मेरे को समझ में नहीं आता कैसे जाना है क्या जाना है, हाँ आई गेली रुको यहाँ से अभी रुको यहाँ पे भाई डैमेज मत पड़े यार, यहाँ से हम लोग को सीधे सीधे यहाँ से ऐसे जाते रहना है सीधे जाओ चलते रहो। इनको कॉम्पीज क्यों है, इन लोग पूरे डंजन में कॉम्पी ऐड किए, मेरे को पहले लगा कि दो तीन जगह पे किए होंगे, पता है उस दिन वाइपर में वही डिस्कस कर रहे थे कि अगर इन लोग को लाइक बाकी गेम्स को अगर अपडेट लाने तो सोचते यार अपन एक स्किन लाएंगे ये लाएंगे, आर मोबाइल को अपडेट के ऊपर डिस्कस करना तो क्या करते होंगे, चेयर पर बैठते होंगे आराम से, मेरे वाइपर यही डिस्कस कर रहे थे कि अभी एक काम करते गाइस अपन ना अपन अपने गेम में टाइटन को छोटा करके डंजन में डाल देते, हम लोग कॉम्पी को डाल देते, क्यों करना है ये सारी चीज़ें बेफालतू, हम तुम लोग को चाहिए क्या डंजन के अंदर भाई कॉम्बी, बेफालतू कुछ भी करते यार ये ऐसी चीज़ें करते हैं ना दिमाग समझ में नहीं आता भाई क्या बोलना चाहे। एक सेकंड ये हाँ ये कॉम्पी से आ जाए, ये रूम कॉम्पी वाला है इसलिए मैं भी कॉम्पी इशारा दे रहा हूँ कि मेरे अंदर भाई बहन है, बट कोई बात नहीं उसकी तरह सबको मारेंगे हम, पहले ये सब चेंज करने दो क्योंकि मेरे को पता नहीं कॉम्पीज का क्या, अरे तो इतने मेरे को लगा पिछले बार जैसे वो मल्टीप्लेयर के टाइम याद है जब हमने मल्टीप्लेयर में डंजन की थी तब कॉम्पीज बहुत ज़्यादा बढ़े थे, मेरे को लगा वैसा है
या इनको मारना बहुत ज़्यादा ईजी, इनके लिए ईजी है वैसे, बट थोड़ा दिक्कत भी है और ईजी है। हाँ कोई नहीं, इसमें क्या है बस वैसे क्लिक करके रखो और कुछ नहीं, बस तुमको जो करना है करो। ये फाइनली गाइज हमने ऑलमोस्ट ये वाली भी जो है ये कंप्लीट करी। ये सारे तू क्या ये करने के लिए बैठा था क्या, मेरे को लगा लास्ट था। एनीवे फाइनली हमने हम लोग की ये फोर्थ थी ना, फोर्थ वाली रूम भी कंप्लीट कर लिया और भाई इनसे बहुत ज़्यादा मीट हार्वेस्ट हुए। हाँ तो मैं वो कह रहा था कि तुम लोग एक आल्क मोबाइल ऐसा कर सकते हैं कि लाइक अगर एक इवेंट लाओ जिसके अंदर तुम एटलीस्ट कोई डायनो नॉर्मल वर्ल्ड में बड़ा स्पॉन हो, लाइक रेक्स गीगा की साइज़ का स्पॉन हो जाए, कॉम्पी रैप्टर की साइज़ का, रैप्टर रेक्स की साइज़ का स्पॉन हो जाए और उसे हम टेम कर पाए, सैडल लगा पाए, मॉशॉप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा, एटलीस्ट हम टाइटल में डाल तो सकते हैं टेमिंग बिग रैप्टर, टेमिंग हाई स्केल रैप्टर। नहीं यार तुमको डंजन में भाई टाइटन को छोटा करना है, ठीक है वही सेम टाइटन को तुम छोटा कर दो 7-10 दिन के लिए मेन वर्ल्ड में, तो हम डाल तो लाइक टेमिंग टाइनिश टाइटन वगैरह से कुछ डाल पाए ना हम लोग। पता नहीं इनका प्रॉब्लम क्या है, डंजन में हर चीज़ डंजन में नहीं चाहिए यार, डंजन नॉर्मली जैसे वैसे रखो हम कर लेंगे भाई लूट के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट सिंपल सी चीज़ है ना, इतनी तो समझनी चाहिए। सहमत हो गए तुम लोग, ये चीज़ अच्छी है वैसे, रैप्टर रेक्स तुम लोग सोचो टेमिंग रेक्स रैप्टर टेमिंग रेक्स रैप्टर। एनीवे अब बहुत टाइम पास हो गया, रुको एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले मेरे को हेलमेट चेंज करने दो क्योंकि ये लास्ट रूम है और ये जो लास्ट रूम है मैमथ्स की रूम है। ठरकी लोग शिट, ये रूम पूरी ट्रक से गुजरेगी देखना, ये आते गद्दे गद्दे चारे देने लग जाते। आई जस्ट हेट मैमथ्स, मेरे को ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ये देखो पहले गुलाबी, इसलिए मेरे को ये रूम बहुत बहुत गुस्सा आता है, मेरे को पता नहीं अब मेरे को इनसे मुंह तोड़ने का मन करता है, और ये मेरा कुछ उखाड़ने भी नहीं वाले क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो है ये लोग, मेरे को लगा ये मुश्किल होगी इसलिए मैंने गेम सेव कर लिया था एक्चुअली यहाँ पे, बट नहीं ये इनसे गुस्सा आता है, ये दिल दिखाते हैं ना पता नहीं क्यों, वियर्ड लगता है बहुत ज़्यादा दिल, वो कैसा वो ऐसा ना पहले लगता था ऐसा उंगलियों जैसा कुछ लगता है, ऐसे लगते उंगलियों से इशारा कर रहे हैं, दांत ऐसे दिल जैसे क्यों निकाल लिया हाथ लेके। ओ भाई क्या चल रहा है यार, ये लोग तो पहुंच भी नहीं पा रहे यार। एटलीस्ट पता है लास्ट एपिसोड है इस सीरीज़ का, सो आई थॉट कि आर्क को थोड़ा सा हमारे लिए कुछ स्पेशल एडिशन बना देते तो भी चल जाता। चलो 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 इसी के साथ गाइस फाइनल रूम का फाइनल ये बूम बाय बाय। अब दिखा दांत, अब दांत तो ऐसे ही दिखा रही है इसको क्या आ रहे हैं। अरे फाइनली इसको भी ख़त्म कर दिया और हम लोग ने सारी रूम्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, जस्ट अभी बारी उस बॉस को हराने की जो स्वैम बॉस है, कोई तो स्वैम बॉस मतलब डंग बीटल आई थिंक स्वैम बॉस बोला था, हाँ तो वो गगोना बीटल है, वो बहुत ईजी है वो। वैसे रुको मेरे को एक क्रेट लूटने दो, इसमें क्या मिलता है मेरे को देखने दो। वाह पता है टेक केबल प्रोसेसर, जब पहले टाइम मेरे को ज़रूरत थी मैंने इतने बार किया था तब जाके मेरे को एक बार मिला था, लिटरली मुझे बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, मेरे को लूट भी याद नहीं हो। हाँ छोड़ो भाई आउट ऑफ है भाई ये सब, एक सिंह बॉस डायरेक्ट ऐसे नहीं जाना मेरे को। यहाँ पे सारी चीज़ें है मेरे पास, आर्मर वगैरह वगैरह ठीक ही है मेरा, पैंट भी कुछ लाया नहीं मैं, ये ग्लव्स ये पहन लेता और ये चश्मे वाला मेरे को चाहिए, यहाँ पे मेरे को अपनी फेवरेट स्किन से खेलना पसंद है। अबे चलो गाइस फाइनली और टाइम आ चुका है जहाँ से अब हम पीछे मुड़ के तो नहीं देख सकते, और ट्रस्ट मी जैसे जैसे स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं मेरे को धक धक हो रहा है, बट कोई बात नहीं एंटर करते। अभी शांति से करना है इस एक स्वयं ठीक है, बट मेरे को ये मैप बिल्कुल नहीं पसंद यार, इसमें इतनी घास होती है ना दिखता नहीं है कुछ पता है। रुको मेरे को पहले वो पत्थर ढूंढने दो यहाँ पे, वो पत्थर जहाँ पे ऊपर चढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है यहाँ पे। रुको भाई भाई ये तो पूरा ये कौन सा, अरे एक सेकंड, हाँ वो डियोड का था सॉरी, अरे मैं स्वयं, अरे ये अरे भाई ये तो हम तो उड़ गए वाला ट्रैप लग गया भाई, तो पूरे डंजन में बच के आ यहाँ पे जाके लगने लग गया ये, और भी बट चलो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अलग लगते हैं, कुछ तो ऐसा लगता है ग्राफिक नहीं कुछ तो कलर तो मिल गया। ओह ये रहा पत्थर, अरे ये वो है फिर, हाँ डियोडिकरस या डोडियोकरस वास्तुस ऐसा कुछ है, मैं मैप में सिर्फ स्वयं देखा था यार, बिकॉज मैं ड्यूटी के हाँ वास्तु पर यार ध्यान नहीं, मैं स्वयं बोला डंग भी एक सीन मार का से रहा है, ये बेस क्यों हिला रहा है, इधर भी इधर ही थे इनके कहा है भाई, अरे वो फंस गया उधर भाई। ओ भाई किसको बॉस दे दिया तुम लोग ने सच में, क्या है देखो रेडवुड इसको आई मीन रेडवुड, चलो ठीक है यार रेडवुड स्वैम्प हाँ मैचिंग कर रहा है ठीक है, बॉस भी मतलब लाइक वैसा ही है ड्योडी का, रेडवुड में होता है स्वैम्प टाइप एरिया है, लाइक रेडवुड के पास वाला एरिया है, तो
ऐसा समझ लो रेडवुड गैंग के लिए काफ़ी अच्छा है, और ऊपर से इतना ईजी है कि मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा एंड होगा। और हम इसे बॉस मानते हैं जिसे खुद को नहीं पता कि जाना किस साइड, तो उसको देखो पहले इसको क्या हरा है भाई, ये मार खाने के लिए पैदा हुआ, ये ऐसी चीज़ें मार खाने के लिए पैदा हुई है। सॉरी थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया, बट ठीक है। अब मार के दिखा। इसको बॉस बोलते हैं भाई हम, जो बंदा भाई खुद निकल नहीं सकता उस पेड़ से, ट्रस्ट मी, जिसका जिसको खुद का एरिया उसे ही नहीं पता उस एरिया से बाहर कैसे निकलते। यह बात अलग है कि यहाँ पे डंग बीटल वो गूना बीटल ज़्यादा अच्छा रहता। मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रॉन्टो पीछे से आ रहा है, इतना ये खुद चल रहा है क्या, ये मेरे चलने का किसका आवाज़ है ऐसा। एनीवे ये चल भी तो नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा ये चल, अरे रुको चल रहा है भाई, वो बढ़ गया वो उसको खुद नहीं पता यार, ये पेड़ का बहुत ज़्यादा अजीब है। पता है आर्क मोबाइल ना, सुनो पता है आर्क मोबाइल ना, ये सेम ऐसे कलर कॉम्ब, साइड तक आ रहा है भागने दो। पता है आर्क मोबाइल ना सेम ये जो है ना कलर कॉम्बिनेशन के साथ ऐसा भी जो इजीली डाल सकता है वो। झाड़ी का बहुत सीन है इसमें, पता है उसको खुद को नहीं समझता मैं कहाँ पे हूँ, मैं तो फिर भी दूर की बात है, उस बंदे को खुद को नहीं समझता मैं कहाँ से कहाँ से आकर, मेरे को नहीं समझता रुको कहाँ जाता है भाई उसको खुद को यह मारना नहीं ब्रो, मारना है लास्ट वक्त पे नहीं मार खाने वाला मैं, ये देखो इसकी कुछ खास एज भी नहीं पता है, ये सच में नूब बॉस था, जिसी का काम उसी को साझे वाला सीन है भाई, इसको खुद को नहीं समझता कि मैं काफ़ी, उसको खुद को मैं नहीं मिल पा रहा बेचारे को जाड़ियों में वो मेरे को ढूंढ रहा है, मैं नहीं ढूंढ रहा उसको। एंड इसी तरीके से हमने इस बॉस को हरा दिया, और सच में बोलता हूँ ये जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक है ना, पहली चीज़ इसके लिए मैं आर्क मोबाइल को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, एंड ये म्यूज़िक सच में मेरे को खेलते हुए चिल्स दिया है आज, बहुत चिल्स मिली मेरे को इससे, ये हमारी विक्ट्री का म्यूज़िक है यार। फाइनली हमने सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म किया, एंड बस इसी के साथ हाँ भाई म्यूज़िक सुन रहे हो, फर्स्ट टाइम लग रहा है यार कुछ अच्छा किया है मैंने लाइफ में। फाइनली हमने इसे हरा दिया है गाइस, जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत क्या कमीना लोग है भाई, अभी दो मिनट रुकते तो सही, कितना चिल मिल रहा था पता है, ऐसा लग रहा था और हरा दिया मैंने कर दिया। बट एनीवे गाइस फाइनली हमने इसे हरा दिया, और इसी तरीके से ये जो सीरीज़ है यहाँ पे ख़त्म होती है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, नेक्स्ट सीरीज़ का इंतजार में ज़रूर रहना, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज़ ऑफकोर्स आने वाली है, अब क्या आएगा ये आपको गेस करना है। ठीक है, मैं तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।